हाय, मेरा हो गया नहाना धोना। अभी मेरे बच्ची काम कर रही है, उसके साथ थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर दूंगी और दिखाती हूँ बहुत सारे कपड़े वो भी फोल्ड करने हैं। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, करेले का जूस हो गया। जो ऐसी मौत जैसी ज़िंदगी हो गई ना, ऐसा लगता है कि बस मर जाना चाहिए, नहीं मरना नहीं चाहिए, जीना चाहिए। ज़िंदगी एक बार मिली है, लेकिन ना शुगर ने तो ऐसा मुझे मार डाला है सही में। ज़िंदगी ऐसे लगती ना ख़त्म सी, ये मत खाओ, वो मत खाओ, करेला ही खाओ, बस मतलब सोच समझ के ऐसा ये हाल हो जाता है शुगर वालों का। जो हाई शुगर वाले वही जानते हैं, लो शुगर वाले बेचारे वो भी अपने तकलीफ से गुजरते हैं। तो चलो काम निपटा लेते हैं, ठीक है। और ये हमारी बेटी देखो झाड़ लगा रही, बोली मम्मा आज थोड़ा टाइम है कॉलेज जाने को, तो चलो मैं आपका हेल्प करती हूँ। तो ये कर रही है। और ये रेम्बो, ये मस्ती के बिना रहता नहीं है। रेम्बो तो बहुत मस्ती करते हैं। हाँ काम करो। देखो दीदी झाड़ू मार रही है। छुट्टी दीदी, छुट्टी मेरे फ्रेंड को हाय बोलो। गुड मॉर्निंग हेलो। गुड मॉर्निंग हेलो हो गया उसका। हाय गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आज पोहा। और पोहा तो शेयर करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी ब्लॉग में दे चुकी हूँ। और पोहा किसको नहीं आता, महाराष्ट्र में तो बहुत फेमस है ये। और जल्दी जल्दी टिफ़िन के लिए रेडी कर रही है। अगर हम ब्रेकफास्ट में सुबह बनाना चाहते हैं कुछ और हमें समझना है ना, तो सबसे बेस्ट होता है पोहा और उपमा, सबसे ईजी। तो जल्दी जल्दी टिफ़िन रेडी कर रही हूँ, मूँगफली फ्राई करके, ये देखिए राई डाल रही हूँ। और पूरी रेसिपी फुल ही शेयर हो गई समझ लो। वैसे महाराष्ट्र में किसको नहीं आता ये बताओ। हमारे जो यूपी है ना, यूपी में जो चूड़ा होता है वो गुड़ दही के साथ हम लोग खाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में आने के बाद, मतलब हम जब से महाराष्ट्र में हैं और रहने लगे, तब से पता चलता है कि पोहा इस तरह से बनाते हैं। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट है ये तो। और चाय के साथ सुबह सुबह तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो कोई भी टाइम आप बना के खा लो। बस कड़ी पत्ता की इसमें कमी थी, कड़ी पत्ता डाल दें तो और मज़ा आ जाता है। तो मैं फटाफट रेडी कर रही हूँ ये, और आप भी आ जाइए खाने के लिए। ये देखिए हरी धनिया, हरी धनिया के बिना तो किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता है, मुझे बहुत पसंद है। बस हरी धनिया मिक्स करके अब टिफ़िन फटाफट रेडी। तो कभी कभी मॉर्निंग में अगर जल्दी जल्दी अगर कुछ समझना है ना, तो फटाफट पोहा बना लें और टिफ़िन पैक कर दें। चाहे वह हस्बैंड का हो, चाहे बच्चों का हो। बच्चे हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं ना, स्कूल नहीं ऑफिस, नहीं तो बोलेंगे कि देखो हमारे भी टिफ़िन, तो सभी ऑफिस भी जाते हैं। तो बस हो गया हमारा टिफ़िन रेडी। और ये सब करने के बाद अब मैं अपने लिए पता क्या बनाऊँगी, करेले का जूस। ये देखिए शुगर वाली हूँ ना इसलिए, तो मैं करेले का जूस बनाती हूँ, पीती हूँ मॉर्निंग में। कभी अगर अच्छा ना लगे तो शाम को भी पी लेती हूँ। तो ये बहुत कड़वा करेला, ऐसा लगता है कि क्या जहर के घुट पी रहे हैं। ज़िंदगी भी क्या झंड हो गई फिर भी घमंडवा हो गई, वो है ना रवि किशन वाला स्टाइल, तो वो वाली बात हो गई, झंडी हो गई एक तरह से। और ये मेरा ब्रेकफास्ट पपीता, ये मैं खा रही हूँ। अब मैं अपना काम करती हूँ, घर का डेली व्लॉग का जो भी है। तो चलो गाइज अपना ध्यान रखना, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टाटा बाय बाय, लव यू माय यूट्यूब फैमिली, लव यू बाय, ध्यान रखना।